गाइस आपको देख के लग रहा है मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, मैं अर्जी जी मेरे बाल सारे उठ रहे हैं। गाइस मैं अर्जी आ गए हैं हदा हॉस्पिटल में, पर्ची कटवाने आया है गाइस अभी तो हम, तो अभी आपको ही पता होगा मैं क्यों आई हूँ, पर्ची कटवानी पड़ रही है यहाँ पहले। सारा मेरा बाल खराब हो गया, आपको लग रहा चोटी करनी पड़ी। कैंडी देखो गाइस किसी से जा रहा है, चाबी लेना भूल गए, वो देखो कैसे जा रहा है, चाबी बाय बाय टेक केयर यू, टेक केयर ऑल ऑफ यू। कहेंगे देखो चलो घर चलो आपको। गाइस आज है दशहरा और मैं बना रहे हैं पनीर की सब्जी, तो देखते हैं उसके ग्रेवी रेडी हो गई है। बाकी पनीर काटना है, मटर सफेद मटर, ये देखो। और क्या बनाओगे मम्मी इसके साथ? टाटा वाला चावल, पुलाव बनाएंगे मम्मी साथ में। आप सबकी सारी मनोकामनाओं को गाइस आज है विसर्जन, मरियाना बना के रखो। अभी हम आए हैं शाम को हॉस्पिटल अस्पताल, दिखाते हैं कौन सा हॉस्पिटल आए हैं। सो गाइस अभी हम आया हिसार का जाना माना अस्पताल है आधा हॉस्पिटल, आपने भी सुना होगा जो हिसार से है। तो अभी हम आए हैं और अभी चलते हैं, नेहादी और जीजू भी है मेरे साथ, तो नेहादी के लिए आए हैं वैसे, तो देखो वो जा रहे हैं नेहादी और जीजू, तो चलते हैं। ऐसे देखो पोस्टर से आप आइडिया लगा सकते हो गाइस, मैं क्लियर क्लियर नहीं बोलूँगी ठीक है। कैद नहीं आने दिया, कैद नहीं आने दिया, लेटे हुए हैं, पेन हो रहा है। आप जी खाना खिला रहे दीदी को, नेहादी की डिलीवरी हो चुकी है गाइस। गाइस मैं बैठते भी नहीं गाइस, मुझे दो तीन दिन हो गया मैं स्कूल नहीं जा रही नेहादी के चक्कर में। हम बना रहे खाना और गाइस अभी मैं पूजा करके आई हूँ, और क्योंकि अभी मैं स्कूल इसलिए नहीं जा रही गाइस क्योंकि घर पे भी काम होता है, मतलब मम्मी हॉस्पिटल से जाती है तो घर पे मैं रहती हूँ, या फिर मैं हॉस्पिटल से जाती हूँ मम्मी घर पर रहती है, तो ऐसा होता है तो घर सारा मुझे संभालना होता है और वजह तक जाती हूँ मैं, पर इतना तो कर ही सकती हूँ बहन है।
और बहन की डिलीवरी हो गई है गाइस। और कमेंट बताना कि आपको क्या लगता है, गर्ल है या बॉय है, ठीक है बताना। और वैसे नेहा को छुट्टी मिल गई है हॉस्पिटल से, बट बच्चा है ना वो वही नर्सरी में है, तो इसलिए नेहा को भी वही रहना पड़ेगा। मम्मी ने दिया मुझे बैंगन की सब्जी, आलू गोभी की सब्जी, अचार एंड प्रॉन्टे, यहाँ में लहसुन काट रहे हैं। सो गाइज ये सारा व्लॉग मैं ना थोड़ा मतलब बाद में डालूंगी, जब नेहा बहुत अच्छे से घर आ जाएंगे बेबी के साथ तब मैं व्लॉग डालूंगी, लेट व्लॉग जाएगा तो आप वेट करना, एंड मैं सारे क्लिप ऐड कर दूंगी तो आप अच्छे से देखना। गाइज मम्मी और हॉस्पिटल में तो सारा काम मुझे करना पड़ा था, मैं बिठा रही हूँ चावल, आई मीन चावल बना रही हूँ, और मम्मी को वीडियो करके तो मैंने पूछा। अभी मम्मी ने दाल बना ली, देखो मम्मी ने बिठा दिया, बस मैंने इसको तड़का वगैरह लगाया, चावल बना रही। कहाँ है आपका बेबी, कहाँ बेबी कहाँ है ये पता नहीं। नर्सरी में है इस बेबी, अरे हरी है मदर रूम में है जहाँ और भी लेडीज वगैरह होती है। देखिए यहाँ से बहुत अच्छी धूप आ रही है, मैं भी आई हूँ थोड़ी देर पहले घर से, और अभी नेहा ने ड्रेस चेंज किया है, मैं भी आई हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ घर पे, मैं मम्मी को छोड़ने आई थी हॉस्पिटल, और आज नेहा को 6 दिन हो गया, मतलब आज बच्चे का छठियार है क्योंकि 6 दिन हो गया, और अभी मैं जा रही हूँ घर पे क्योंकि घर पे भी कोई देखने वाला होना चाहिए, तो अभी चलते हैं घर पे। नया दीदी सो गाइज फाइनली आज नया दीदी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रहे हैं, तो अभी आ रहे थोड़ी देर में घर नेहाती और उनके बच्चे। तो मैंने सोचा कि व्लॉग बना देती हूँ, और नेहा दी के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक का व्लॉग है इसी व्लॉग में, तो आप उसे ज़रूर देखो। एंड मैंने सोचा थोड़े से बैलून वगैरह लगा देती हूँ, तो यहाँ मैं बैलून वगैरह फुला रही थी, और थोड़ा सा घर को डेकोरेट कर देती हूँ क्योंकि बहुत दिनों बाद नेहा दीदी आ रहे हैं और उनका बेबी आ रहा है, तो चलो मैं कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। तो गाइस मैंने कुछ इस तरह से बैलून लगा दिए, देखिए इसके पास मत आने दो। कहने नहीं है दीदी, यहाँ फोन कर रहे, वहाँ फोन कर रहे, आठ पर मम्मी सुबह से आठ घर ही। इसका नाम सोच रही है क्या आएगा, बच्ची की दादी में तो वो सब बता देगी नर्सों। बच्चे कपड़ा देख लो, हम बुला इसकी दादी से कपड़ा बना रही है आज, यहाँ इसके दादा यार पापा दादा दादी से हो रही इसका। गाइस मम्मी भी शॉपिंग करके आई है बाबू के लिए, ये देखो गाइस क्या लाए मम्मी, देख लो हमारे लिए भी लाए हो, देखते हैं गाइस क्या लेके आए मम्मी, बच्चों के लिए कपड़े लेके आए, बच्चों नहीं बच्ची के लिए, तो देखते हैं गाइस, ये देखिए बच्ची आ गई है। और ये विंटर विंटर समर दोनों के मतलब कौन सा कपड़ा है, ये अच्छा कोटा, अच्छा कोटा। दूसरा ये कपड़ा ही देखो गाइस कितने प्यारे प्यारे कलर है, ये अभी के लिए है, अभी के लिए जो भी सेंट पहन सकते हैं। ये गाइस ये
वाओ क्या कलर है। लाल नहीं नहीं लाल कतर वो कर के लाल क्या करोगे लाल इसर भी नहीं है। हाँ वो कितना सॉफ्ट कलर है गाइस, सॉफ्ट कपड़ा भी है। नीचे का गाइस पजामा, ये दो सॉक्स, ये टोपी कैप हाथ वाला है जैसे कि। अच्छा इसमें ये हाथ फिंगर्स वगैरह भी कवर हो जाएगी गाइस। नहीं दिया है का तो निकल सकते हैं या नहीं? नहीं निकल नहीं अंदर है। पूरा कवर हो जाएगा बच्चा इसमें, काफी अच्छा है देखिए। ये है बेबी को रखने वाला है, सुलाने वाला है उसको कवर करने के लिए। ये देखिए गाइस कितनी प्यारे प्यारे दो पजामे हैं नेहादी के लिए जो विंटर में पहन सकते हैं, सर्दी नहीं लगेगी इसमें। देखो गाइस एक रेड है एंड ब्लू डार्क कलर है। ये है ये देखो गाइस, देखो गाइस इसके साथ ये देखो सॉक्स गाइस, छोटे छोटे सॉक्स है एंड हाथ के भी सॉक्स है। देखो हाथ के भी ये पहनने वाले गाइस। इसके साथ की कैप है एंड ये नेक पे लगाने के लिए कि कुछ लगे ना। ये सब लगाया है जब तक। सो गाइस इस ब्लॉग को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच मेरे ब्लॉग वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ। और आपको ये ब्लॉग अच्छा लगता है तो कमेंट बताना आपको कैसा लगा है। इस ब्लॉग को लाइक भी कर देना एंड कैसे शेयर करना। थैंक यू।